नई दिल्ली, भाजपा की लगातार बढ़ती ताकत पर जोर देते हुए एक भावनात्मक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि पार्टी अब 109 राज्यों में सत्ता में है, कांग्रेस के इंदिरा गांधी के तहत अपने चरम पर एक और है। प्रधानमंत्री ने उन नेताओं के बलिदानों को भी याद किया जिन्होंने पिछले वर्षों में पार्टी का निर्माण किया और विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दिनों में भाजपा अधिक राज्यों में चुनाव जीत सकती है। इंदिरा गांधी के तहत कांग्रेस ने 18 राज्यों में शासन किया, लेकिन भाजपा और इसके सहयोगी दलों ने पिछले 3.5 सालों में 109 राज्यों में सत्ता हासिल कर ली है। जल्द ही हम अन्य राज्य चुनाव भी जीतेंगे, मोदी ने कहा कि पार्टी के सांसदों को संबोधित करते हुए भाजपा संसदीय दल की बैठक में। बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इंदिरा के तहत कांग्रेस के बारे में मोदी का उल्लेखनीय था क्योंकि भाजपा न केवल कांग्रेस के खिलाफ थी बल्कि कई क्षेत्रीय पार्टियां जो राज्यों में मजबूत ताकत थी। मोदी ने अपने लंबे समय के बारे में बताया। पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के साथ मिलकर 14 साल की जूनियर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक युवा शाह को राष्ट्रीय नेता बना दिया क्योंकि उन्होंने पार्टी संगठन में युवा नेताओं को अवसर देने पर जोर दिया था।